मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरं यत्कृपात्तमहं वंदे परमानंदमाधवं श्रीमन्मदनगोपालं वृंदारण्यपुरंदरं श्रीगोविंदं प्रपद्येऽहं दीनानुग्रहकारकम् वंशी विभूषितकरान्नवनीरदाभात् पीताम्बरादर्नविम्बफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने नवजलधरवर्णं चम्पकोद्भासिकर्णम् विकसित नलिनाशियं सुरं मंदहासियं कनकरुचिदुकूलं चारुवर्हावचूलं कमपि निखिलसारं नवं गोपीकुमारं कल अपने तीन बात अंत में हुई थी, भगवान का हो जाना और भगवान के नाम का आश्रय करना और बुरे संग का त्याग करके अच्छा संग करना। भगवान का हो जाना का अर्थ यही है, नारद जी ने कहा है अनन्यता का रूप बताते हुए, अन्याश्रय का त्याग ही अनन्यता है। माने हमारे मन में जो दूसरे दूसरे आश्रय रहते हैं, भरोसा रहता है कि उसके द्वारा हमारा ये काम हो जाए, ये काम विद्या से होगा, ये काम बुद्धि से होगा, ये काम अमुक मनुष्य के द्वारा होगा, इस प्रकार बहुत तरह के हमारे मन में आश्रय रहते हैं। अन्याश्रयाणाम त्यागो अन्यता, ये सूत्र है नारद जी का। जब तक दूसरों का आश्रय है तब तक हम पूरे पूरे भगवान के नहीं हुए। पूरे पूरे भगवान के हो जाने के बाद इन सारी चीजों से हम काम भले लेंगे पर इनका हमारे मन में आश्रय नहीं होगा। आश्रय न होने से जिन चीजों को हमने अपना अवलंबन मांग रखा है जगत में, वो चीजें अगर न रही तो दुख नहीं होगा। स्वाभाविक बात है, हमें जिनसे ये आशा है, भरोसा है कि इनके द्वारा हमें सुख मिलेगा, वो वस्तुएं नहीं रहती हैं तो दुख होता है। पर जिनके लिए हमें कोई भरोसा नहीं है, आशा नहीं है, वे रहें काम दें तो अच्छा है, न रहें तो न सही। एक भरोसो एक बल एक आश विश्वास, एक राम रघुनाथ हित चातक तुलसीदास। एक भरोसो एक बल एक आश विश्वास, भरोसा बल आशा और विश्वास, ये जब चारों एक में हो जाते हैं तो अन्याश्रय का त्याग माना जाता है। दूसरे का भरोसा नहीं, दूसरे का बल नहीं, दूसरे की आशा नहीं, दूसरे पर विश्वास नहीं, तो अन्याश्रय का त्याग हो गया। इसी का नाम है हम भगवान के हो गए। और ये एक सिद्ध बात है, जब मनुष्य को कहीं पर पक्का भरोसा होता है तो दूसरी चीज बीच में आती है तो उसकी तरफ ध्यान नहीं जाता। ये भगवान ने तुष्यंती च रमंती च दो चीज कही गीता में, तुष्यंती और रमंती। वो कहते हैं कि बस मेरे में ही वो संतुष्ट हैं, और कुछ चाहिए और किसी के द्वारा कुछ हो जाएगा ये कुछ नहीं।
और मेरे में ही वो प्रीत करते हैं, रमते हैं। उनके मन का जो रमण है, प्रीति है, रति है, वो केवल मेरे में ही है। इसलिए वो मुझको छोड़कर और किसी तरफ ताकते नहीं, झांकते नहीं, देखते नहीं, आशा नहीं करते, भरोसा नहीं करते। तो इसीलिए हमारे यहाँ ये पतिव्रता का आदर्श संतों ने माना है। उत्तम के अस बस मन माही, सपने आन पुरुष जग नाही। उत्तम पतिव्रता का लक्षण बताते हुए तुलसीदास जी कहते हैं कि उसके मन का एक निश्चय होता है कि जगत में दूसरा पुरुष नहीं है। पुरुष कोई हो, पुरुष की कहीं कल्पना हो, तब कहीं उसकी तरफ वृत्ति जाए, पुरुष ही नहीं है दूसरा। मध्यम परपति देख ही कैसे, भ्राता पिता पुत्र निज जैसे। ये मध्यम पतिव्रता है, जिसके दूसरे पुरुष की सत्ता तो जिसकी कल्पना में है, पर पतिभाव की कल्पना नहीं है। जो बड़ा है उसको अपना पिता समझती है, बराबर वाले को भाई समझती है और छोटे को पुत्र समझती है। तो पर यहाँ कल्पना है, इसलिए मध्यम, मध्यम दर्जा इसका आ गया। इसी प्रकार जो भगवान के अनन्य भक्त हैं, जो भगवान के हो गए हैं, उनकी दृष्टि में दूसरे की सत्ता नहीं है। एक तो फिर वो जगत में व्यवहार कैसे करते हैं, तो मानव सब ही राम के नाते, कितना संबंध है, नाते नेह राम सो मनियत, सुहृद सुसेद जहां लो। जहां तक भी संसार में सुहृद हैं और सुसेव्य हैं, सुहृद माने प्यारे, सुसेव्य माने अच्छी तरह से सेवा करने योग्य, जितने भी हैं वे सब के सब भगवान के संबंध से संबंधित हैं, इसीलिए हैं। और भगवान के संबंध से संबंधित न हो तो हमारा उनसे कोई वास्ता नहीं, कोई लेन देन नहीं, कोई संस्रव नहीं, कोई संपर्क नहीं, कोई उनसे आशा भरोसा कुछ नहीं। जैसे पतिव्रता स्त्री पति के संबंध से सबका संबंध मानती है, पति के संबंध का जहाँ संबंध नहीं हुआ उसका कोई संबंध नहीं, पर वो संबंध जो मानती है पति के संबंध से मानती है, सीधा नहीं मानती। सीधा संबंध उसका एक पति से ही और कहीं नहीं। इसी प्रकार जगत के व्यवहार में अगर कहीं संबंध रखना पड़े मनुष्य को, तो वो भगवान की सेवा के लिए, उनकी प्रसन्नता के लिए, उनकी राजी के लिए संबंध रहे, बाकी संबंध उन्हीं से है। ये है उनका हो जाना, राम का हो ही राम को। और ये सबसे बड़ी अड़चन, जो इसीलिए पहली बात ये कही, सबसे बड़ी अड़चन जो हमारे जीवन में है वो यही है कि हम भगवान के न होकर बहुतों के हो रहे हैं, एक दो के नहीं हो रहे हैं। हमारी तो बड़ी मन की जो स्थिति है और हमारी बुद्धि का जो निश्चय है, वो तो सर्वथा सर्वथा व्यभिचारी निश्चय है। कहीं ये काम धन से हो जाएगा, ये पुत्र से हो जाएगा, ये मकान से हो जाएगा, ये जमीन से हो जाएगा, ये अमुक आदमी से हो जाएगा, न मालूम कितनी जगह है। हम अपने काम की सफलता के लिए वृत्तियों को दौड़ाते हैं और कितनों का हम आश्रय किए हुए हैं मन में। तो जब तक हमारे मन में ये दूसरे दूसरों का बहुत बड़ा बड़ा लंबा चौड़ा अनंत आश्रय है, तब तक भगवान से हमारा संपर्क होने पर भी दूर है। अन्याभिलाषिता शून्यम, कहा अन्याभिलाष हो ही नहीं, अन्य से नहीं और अन्य प्रकार की नहीं, दूसरे से आशा नहीं और भगवान को छोड़कर दूसरी वस्तु के लिए नहीं।
भगवान से भी आशा करे, यद्यपि भगवान से आशा करने में पाप नहीं है, पर भगवान से भी आशा करता है वो तो केवल भगवत प्रेम की करता हो, कोई करता अनन्य ममता विष्णु और ममता प्रेम संज्ञकम। ये नारद पांचरात्र का सिद्धांत है कि ममता एकमात्र भगवान में हो, अनन्य ममता हो और कहीं ममता नहीं रहे, और वो भगवान में जो ममता हो वो भी केवल प्रेम को लेकर के हो, उसमें भी कोई और हेतु न हो। हमारी ममता कईयों से होती है, ये मेरा है तो मेरा है तो मुझे सुख देगा, मेरा है तो मेरा काम कर देगा, मेरा है तो मेरी बात मान करके फलाने आदमी से लड़ लेगा। ये मन अपनी चीज को, चाहे वो राजस में चाहे तामस में चाहे सात्विक में, मेरी चीज से हम काम लेना चाहते हैं, तो ये ममता प्रेम संज्ञक नहीं है। हम ममता भी करें और ममता करें उसी के लिए, ममता भी हो और ममता हो केवल उसी के लिए, अपने लिए नहीं, ये बड़ी पवित्र ममता है। तो इसमें हम भगवान के हो गए, तो हम न मालूम कितनों के बन रहे हैं। हमारा तो ये अनेक चित्त विभ्रांता, मोह जाल समावृता, भगवान ने कहा अनेक चित्त विभ्रांता, चित्त कहीं एक जगह टिका हुआ है ही नहीं, जगह जगह भटक रहा है, जगह जगह भटक रहा है, न मालूम कितनों की आशा करता है, कितनों से उम्मीद रखता है, पता ही नहीं है। अनंत अनंत आशाएं लिए हुए हैं और वो अनंत अनंत प्राणियों से, अनंत अनंत वस्तुओं से है। इस प्रकार के चित्त से भगवान का स्मरण जो है वो होता है, तो इन वस्तुओं के लिए होता है, वो भी अच्छा है। ये एक चीज और ध्यान में देने की, ये बड़ी आशा की बात है। ये पाप और भगवान का भजन, ये दोनों अगर साथ साथ चलने लगे साथ साथ, तो पाप में वो ताकत नहीं कि साथ चल सके, साथ रहते ही पाप मरने लगेगा और पीछे रह जाएगा, और पीछे रह करके जल जाएगा। नाम नोस्त यावती शक्ति पाप निर्हर निहरे तावत कर्तुम न शक्नोषि पातकम पातके जनई। पर ये बात कहीं नहीं जाती, इसलिए कि फिर मनुष्य पाप करने की छूट मान लेता है, पाप करो क्या हर्ज है, आज पाप किया कल नाम ले लेंगे, माला फेर लेंगे। ये तो उसके लिए है जो पाप छोड़ना चाहता है पर परिस्थिति बस स्वभाव बन नहीं पाता, भजन खूब करता है तो वो उसका जो पाप है भजन नाश कर देता है। पर जो भजन को पाप में सहायक बनाता है जानबूझकर, कंठी पहनता इसीलिए है कि लोग उसे अच्छा समझ करके और ठगाए जाए, तो वहां तो मामला गड़बड़ है। एक 100-150 वर्ष पहले की बात है, बंबई में, ये सच्ची घटना है, इंपीरियल बैंक था उस समय, इंपीरियल बैंक था, तो एक फर्म था, तो वो रामानुज संप्रदाय के थे, वो स्त्री धारण तिलक किया करते थे, दो तरफ सफेद बीच में लाल, वो भगवान का बड़ा सुंदर मंगलमय चिन्ह है। तो बैंक से उसका खाता था, उस व्यापारी का, बैंक में कोई 50,000 रुपए की भूल हो गई, और ऐसी भूल हुई कि बैंक वालों को उसका पता लग ही नहीं सकता। तो उन्होंने आकर के बैंक से पूछा, बैंक ने कहा हमारी खाता ठीक है, कोई तो बोले देख लिया कुछ नहीं, तो उसे 50,000 रुपए ला करके दे दिए और बता दिया कि ये भूल है। तो कहा भाई तुम बड़े अच्छे आदमी हो, तुमने कहा कि हमारा कुछ अच्छापन नहीं है, ये भगवान रामानुज का प्रताप है, हम उनके अनुयायी हैं और उनकी कृपा से हमारी बुद्धि ऐसी रहती है। तो बोले उनका क्या निशान, बोले हम देखिए तिलक लगाते हैं, चक्रांकित हैं, बड़ा अच्छा, वो साहब जो अंग्रेज था उस पर बड़ा प्रभाव पड़ा।
उसका ट्रांसफर हो गया, वो गया विलायत। जाते समय उसने जो दूसरा मैनेजर आया उससे कहा कि देखो भाई, ये जो इस तिलक वाले हैं, डब्लू मार्के वाले, ये सब बड़े अच्छे आदमी होते हैं, उनका विश्वास करने में कोई आपत्ति नहीं। वो कह गया, उसने मान लिया, ये सच्ची घटना है, उसने मान लिया। अब वो जो लोग वैसे उनका बड़ा विश्वास करते, और अच्छे लोग भी आते ही थे बहुत, तो ये बात लोगों में फैल गई, ये साहब जो है ये इस तिलक वालों के साथ तो ऐसा बर्ताव करता है कि ओवरड्राफ्ट हो, चाहे उनका रुपया न जमा हो, रुपया मांगने आवे उधार दे दे, हर तरह से वो दे दे। तो लोगों ने समझा ये बड़ा अच्छा तरीका है, तो तिलक लगाना शुरू कर दिया। उसमें लगता क्या है, वो लगा लगा के जाने लगे, तो 3-4 लाख रुपया ठग करके ले गए लोग। तब कहा, बोले ये क्या बात है, बोले ये तो बोले बड़ी भूल में थे, तो कहा कि बोले ऐसे वाले जो हैं उनको बैंक में मत आने दिया करो। वो बैंक में ही आए थे। तो मतलब कहने का ये है कि नाम, भगवान का भजन, भगवान की भक्ति बड़े से बड़े पाप का नाश करने में समर्थ है। पाप करता हुआ आदमी भी अगर पाप से बचना चाहता है, न बच सकता है, पर भजन करता है तो उसका पाप भगवान नाश कर देंगे, उसके पाप को भगवान जला देंगे। लेकिन जो पाप करने के लिए भजन का प्रयोग करे, पुलिस को पहरे पर बैठा के चोरी करे, और पुलिस अगर ठीक सच्ची पुलिस है, मिली हुई नहीं है, तो उस आदमी का बचाव नहीं हो सकता। इसीलिए हमारे यहाँ शास्त्रों में आया कि ये भजन के सहारे और तीर्थ के सहारे जो जानबूझकर पाप किए जाते हैं, वो पाप बज्रलेप हो जाते हैं, वो सहज में बिना फल पाए छूटते हैं। तो ये मैं कह इसलिए गया इतनी बात कि जो ऊंची से ऊंची बात कही जाती है कि कामना का सर्वथा, वासना का सर्वथा, दूसरे के आश्रय का सर्वथा त्याग करने पर ही अब भगवान के हम हो सकते हैं, इससे कोई डरे नहीं। ये बात बहुत कठिन नहीं है वैसे, पर कठिन भी माने और हमारा मन यदि भजन में लगे और हमसे पाप भी होते हों, तो पापों को भजन नाश कर देगा। पर ये बात कहनी इसलिए नहीं बनती कि फिर लोग समझ लें कि भी पाप तो करो ही, फिर ये बात तो मिल ही गई, पाप करने में नहीं भजन नाश कर देगा। अब भजन हो चाहे ना हो, पाप करने में छोटा आदमी ले लेता है, मनुष्य की कमजोरी है। तो इसलिए साथ साथ ये बात फिर कही गई कि भाई जो जाए बूझ करके भजन को पाप में सहायक बनाता है, उसके पाप भजन नहीं काटता। तो असली चीज ये है कि वो वास्तव में बहुत कठिन नहीं है भगवान का हो जाना। ये भगवान के हो जाने में सचमुच सब तरह का लाभ ही लाभ है, जो लाभ चाहते उनके लिए भी, और जो कामना की पूर्ति चाहते उनके लिए भी, और जो शत्रुओं से बचना चाहते हैं कामादि शत्रुओं से, उनके लिए भी। भगवान का जो आश्रय है ये सर्वथा निरापद है, सुरक्षित है और अमोघ है, अमोघ है, ये कभी व्यर्थ जाता ही नहीं। तो इसमें लाभ ही लाभ होना कठिन इसलिए नहीं है कि ये खाली समझ में आने की देर है। जहां से सब काम सहज में हो सकते हों, उनका आश्रय हम करें, इसमें कोई कठिन चीज नहीं है। संसार में हम करते ऐसा ही है, जो काम सुगम दिखता है, लाभ का दिखता है, उसे हम करते हैं। पर वहां आपत्ति इतनी है कि इसमें विश्वास नहीं होता। भगवान का हम क्यों नहीं बनते कि भगवान का बनने में विश्वास नहीं होता। इसीलिए सकाम भावना बहुत चलती है। भला एक आदमी तीन भाव हैं। एक आदमी के मन में कामना है ही नहीं, वो केवल भगवान का विशुद्ध भजन करता है। और एक आदमी
कामना मन में है पर कामना का भजन नहीं करता। और एक आदमी कामना मन में भी कामना से करता है, तो जो बीच वाला है ना वो असल में वैसे बुद्धिमान है। सोचिए आपके यहाँ कोई नौकर रहे और आपके देने पर भी कुछ लेना न चाहे, और आप उसको हजार दफे कहे तुम ये अच्छा खा लो, अच्छा पहन लो, अच्छे कपड़े ले लो, तुम्हारे वो कुछ लेना चाहे या नहीं, तो क्या होगा? उसकी चिंता आपको हो जाएगी, उसको आप अधिक देंगे, वो नहीं देगा उसके घर भेज देंगे। तो जो कुछ भी न चाह कर भजन करता है उसकी इच्छा अधिक पूरी होती है, पर ये समझ करके जो न चाहे वो निष्काम होते हुए भी सकाम ही है। तो देखे भी मांगेंगे तो मिलेगा सीमित, नौकरी तो जितनी होगी उतनी मिलेगी, और नौकरी लेंगे नहीं तो मालिक बड़ा उदार है, ये अधिक दे देगा, इसलिए लो मत, मांगो मत। तो ये न मांगना भी मांगना है, ये पर इसमें न मांगने वाला रहता लाभ में इसको संदेह नहीं। ये तो कोई कंजूस मालिक हो वहां तो मामला गड़बड़ है, वहां तो मामला गड़बड़ है। पर जो इतना उदार है कि जिसका काम ही रात दिन देना है और देने बिना उसे रहा नहीं जाता, मांगे एक दे पांच, ऐसा जो मालिक है वहां पर न मांगने वाला अधिक लाभ में रहता है। तो भगवान से न मांगने वाला अधिक लाभ में रहता है, ये निश्चित बात है। भगवान से जो मांगता है उसको तो मांगी चीज ही मिलती है, यद्यपि उसके साथ भगवान अपनी भक्ति जोड़ लेते हैं, आखिर उसको लिए बिना रहते हैं नहीं, ले ही लेते हैं उसको। ये एक भक्त ने कहा कि भाई हमारे स्वामी के इधर तुम आया मत करो। बोले क्यों? बोले आओगे तो तुम लुट जाओगे। लुटेंगे कैसे? बोले उसका स्वभाव यही है, तुम चाहे लूटने आओ पर वो तुम्हें लूट लेगा। भगवान को चाहे तुम लूटने आओ, चाहे भगवान से मांगो ही मांगो, सभी कुछ मांग लो, पर वो ऐसे उनके साथ कहीं मन जुड़ गया तो तुम्हारा मांगना तो हो जाएगा आगे जाके बंद, और वो तुमको ले लेंगे, छोड़ेंगे नहीं। ये गीता में ये चीज है, अंतवत्त फलम तेषां तद्भवत्यन्यथान देवां दिव्योजो यान्ति मद भक्ता यान्ति मामपि। गीता के सातवें अध्याय में चार प्रकार के भक्तों का वर्णन किया भगवान ने, आर्त भक्त, जिज्ञासु भक्त, अर्थार्थी भक्त और ज्ञानी भक्त। वो कहा चारों ही उदार हैं, उदारा सर्वेवैते चतुर्विधा भजन्ते माम जना सुकृति ही, चारों सुकृति हैं, चारों उदार हैं, और चाहे कैसे ही भजें मद भक्ता यान्ति मामपि, वो अंत में मुझको ही पाएंगे इसमें कोई संदेह नहीं। इसलिए भगवान की सकाम भक्ति करने में भी हर्ज नहीं है, पर हर्ज इतना ही है कि देर होगी उनको पाने में, और बिना मांग के हम उनकी भक्ति करें तब तो हमको मिल तो जाएगा बहुत। पता नहीं इतिहास क्या बनता, पर सुदामा ने मांगा नहीं। सुदामा मांगता तो कितना मांगता, सुदामा मांगता तो अपनी बुद्धि के अनुसार ही मांगता ना। एक आदमी के मांगने में दो चीज उसके सामने आती है, अपनी हैसियत और अपनी बुद्धि। बहुत दूर तक मांगने को बुद्धि नहीं जाती एक बात, और दूसरे वो छोटा आदमी बड़ी चीज मांग ले तो अच्छा भी नहीं लगता। तो दोनों बातें बाधक होती है। तो सुदामा अगर मांगता दरिद्र ब्राह्मण तो कितना मांगता, पर नहीं मांगा तो भगवान ने वो दिया कि सुदामा पूरी दूसरी द्वारका पूरी बन गई। भ्रम हो गया सुदामा को, जब पहुंचा सुदामा पूरी वापिस तो उसे भ्रम हो गया कि मैं कहीं भूल भाल करके
द्वारका में वापस आ गया, क्योंकि वो द्वारका वाले सारे महल, द्वारका वाली सारी अट्टालिकाएं, द्वारका के सारे नौकर चाकर चौकदार सिपाही पिपाही सब जुगत यहाँ घूम रहे हैं, वैसे ही महल बने, देखा मैं कहाँ आ गया। तो न मांगने पर उदार जो मालिक होते हैं वो सकुचा जाते हैं, मांगने वाले सामने तो सकुचाते नहीं, मांग लिया बस कोई बात नहीं। जो भगवान से कह देते हैं आपकी इच्छा सुध, तब तो भगवान के लिए आफत मच जाती कि अब दें क्या इसको, इसको क्या दें, इसको तो कुछ दे ही नहीं सकते। जो ले लेता है, जो मांगता है, उसे तो देना सहज है, भाई मुक्ति भी मांग लो ना, कुछ दे देंगे मुक्ति। तो जो कहता है मुक्ति देनी चाहिए, अब भगवान के लिए बड़ी मुश्किल होती है, भगवान उसको क्या दें। तो न मांगने वाला रहता है लाभ में, पर मुझे लाभ हो इसलिए न मांगू, ये वृत्ति नहीं चाहिए। इसलिए ऊंची चीज तो वही है कि जिसमें मांगने की वृत्ति ही न रहे, बस केवल यही रहे कि इनको सुख हो, ये बहुत बड़ी ऊंची चीज है। भला ये समझ में आ जाए आदमी के, तो वैसे तो मूर्खता की बात लगती है कि जरा सा नन्हा सा आदमी, इसके पास कोई सामग्री नहीं, कोई चीज नहीं, कोई सामान नहीं, कोई स्थायी वस्तु नहीं, और ये भगवान को सुखी करने की बात करता है। वहां दुख पड़ा है कि जहाँ उनके दुख को मेरे को सुखी कर देगा, बड़ी हंसी की सी बात है। भगवान को जो जो आनंदमय है, आनंद स्वरूप है, नित्य है, परमानंद रूप, उनको क्या सुख देगा कोई। पर इसकी अनोखी भावना है कि मैं तो भगवान को सुख दूंगा और अपने कुछ उनसे दूंगा नहीं, तो वहां सचमुच ये होता है उसके द्वारा भगवान नित्य सुखी, भगवान सुखी होना चाहते। ये जो कथाएं आती है ना कि भाई विदुर के यहाँ भगवान खाने गए, क्यों गए, स्वयं भी उनके साथ बड़ा सामान था, स्वयं उनकी कथा आती कि उनके साथ सेना गई थी, बहुत बड़े बड़े लोग साथ गए थे, बड़ा सामान साथ था, कल को दुर्योधन कहीं झगड़े कर बैठे तो वहां तो भगवान ने विराट रूप में तो ये दिखा दिया कि भाई तुम मुझको अकेला समझते हो, मेरे शरीर में सब हैं, अकेला मैं नहीं, शरीर में तमाम ईश्वर दिखा दिया, पर और ईश्वर साथ था उनके, बहुत लोग साथ थे, सारा सामान साथ, करके लड़ना पड़े तो लड़ाई भी हो जाए तो कोई बात नहीं, लेकिन अपने सामान को नहीं छेड़ा। और दुर्योधन बिचारा इतना तैयारी उसने करके रखी थी, तैयारी में कोई कमी नहीं थी। दुर्योधन के यहाँ श्री कृष्ण के स्वागत में प्रेम तो नहीं था, पर तैयारी उनकी अपने गौरव की थी ना, हम राजा हैं तो हम क्या भिखारी की तैयारी करेंगे, दिखाएंगे उसको कि हमारे यहाँ ये ऐश्वर्य है। तैयारी बहुत थी, उस तैयारी को छोड़ छाड़ करके ये बिल्कुल भूखे बनकर और विदुर के घर पहुंचे, क्या बात थी। वो ही बात कि विदुर के द्वारा इनको सुख होता है, विदुर पत्नी के द्वारा इनको सुख होता है, वो जो सुख देना चाहते हैं वो सुख दुर्योधन के यहाँ नहीं, वो सुख अपनी सामग्री में नहीं। भागवत में आया, भगवान ने कहा कि भाई मुझे सबसे निकट जो है ये तीन हैं, ब्रह्मा जी जो मेरे नाभि से उत्पन्न हुए, और शिव जी जो मेरे स्वरूप ही हैं, और लक्ष्मी जी जो मेरे वक्षस्थल पर विहार करती है। तो इन तीनों का भी वो दर्जा नहीं है जो इन प्रेमी भक्तों का है, इन्होंने जो पाया उन्होंने नहीं पाया कि वो मुझे सुख देते भी हैं, लेते भी अपना स्वरूप ही है, पर ये तो केवल प्रेमी तो केवल मुझे सुख ही देना चाहते हैं, खुद कुछ लेना चाहते ही नहीं। इसलिए इनके प्रेम रस का जितना मैं भूखा हूँ उतना भूखा उनके द्वारा नहीं। इसलिए ये बड़ी ऊंची चीज है, भगवान को सुखी बनावे एक अदना सा प्राणी,
और उसके या भगवान सुखी होने के लिए चले जाएं, सबरी के बेर खाने के लिए चले गए भगवान ऋषि मुनियों के तमाम आश्रमों को बीच में छोड़ते हुए। तो महाराज जरा ठहरिए ना, बोले पीछे जरा सबरी जी के यहाँ हुआ हमें। ऋषियों ने देखा कि बड़ा आश्चर्य है, हम लोग रात दिन रात में वेद ध्वनि करते हैं और इतना भगवान का स्मरण करते हैं और ये उस बुढ़िया का तो घर पूछ चले जाते हैं पर हमारे यहाँ ठहरते ही नहीं, तो चीज क्या थी? यहाँ विधि थी, बड़ी विधि थी, पर वहाँ जो था वो प्रेम लहरा रहा था। वो क्षण क्षण में बाहर आकर के जो देख रही थी शबरी, ऋषि थोड़ी देखते थे वहां तो, और जरा जरा से उसे भय होता था कि कहीं उनके कंकर नगड़ जाएं, कोई कांटा नगड़ जाए, बार बार जाके वो डगर बुहारती थी। दिन में 20 बार चौका लगाती थी, चौका लगाया बोले तो कड़ा पड़ गया, आप ठीक नहीं, दूसरा लगाओ, तीसरा लगाओ, चौथा लगाओ, न मालूम कई बार फल लेके आती थी, बोलिए तो घंटे भर का बासी हो गया, दूसरा लाओ। इस तरह से जिसके मन में भगवान के मिलने की उत्कंठा लग रही, उसके बेरों के भगवान भूखे।